और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, साथ ही साथ ऑल का बटन दबा लीजिएगा। 12,000 रुपए का ऐसा बजट है जहां पर आप सभी एक अच्छा सा फोन लेना चाहते हैं जिसमें कि आपको एक बहुत ही कमाल के स्पेक्स मिले। देखा जाए तो आप लोगों को बहुत ही जबरदस्त स्पेक्स हर बजट में चाहिए होती है, लेकिन 12,000 रुपए का बजट एक ऐसा बजट बनता है जहां पर सभी एक बहुत ही अच्छा और बेस्ट फोन खरीदना चाहते हैं। उनको एक अच्छी डिस्प्ले भी चाहिए होती है, उसके साथ साथ एक अच्छा कैमरा परफॉर्मेंस, साथ ही साथ एक अच्छी बैटरी और एक जबरदस्त प्रोसेसर जिसमें वो गेमिंग कर सके। अगर आप गेमिंग चाहते हैं या फिर डे बाय डे में यूज करना चाहते हैं तो यहां पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं टॉप 5 बेस्ट फोन जो कि आप इस वीडियो को देखने के बाद गारंटेड एक फोन जरूर लेना चाहेंगे। और अगर यहां पर बात करें टॉप 4 फोन्स की तो इन फोन्स में आप लोगों को बहुत ही अच्छी प्राइस मिल जाती है, साथ ही साथ आप लोगों को इन फोन्स में कमाल की स्पेक्स मिल जाती है। अगर देखा जाए तो ये फोन आप लोगों के ज्यादातर एक इंडियन कंपनी का है और यहां पर मेड बाय इंडियन कंपनी का है, और अगर देखा जाए तो आप लोगों को चाइनीज कंपनी के फोन्स देखने को मिलेंगे, तो ये सारे फोन्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो 5वें नंबर पे फोन आता है वो है सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी M11 जो कि एक बहुत ही अच्छा फोन आता है। इस फोन में आप लोगों को कमाल की स्पेक्स मिल जाती है, देखा जाए तो आप लोगों को बहुत ही कम कीमत में मिलता है, यानी कि आप लोगों को वही अंडर 12,000 की रेंज में मिलता है आप लोगों को फोन। तो बजट आपका अगर ये है तो ये आप इस फोन के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन इससे अच्छे अच्छे भी फोन है जो मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ, लेकिन इस फोन को लिस्ट में शामिल करना तो चाहिए। इस फोन के स्पेक्स जानते हैं और बताते हैं आप लोगों को इस फोन के बारे में। सबसे पहले अगर बात करें इस फोन के स्पेक्स की तो आप लोगों को यहाँ पर परफॉर्मेंस के मामले में ऑक्टाकोर 1.8 गिग्स का आप लोगों को स्नैपड्रैगन 450 प्रोसेसर मिलता है जो कि आप लोगों को 4GB रैम और 64GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ मिलता है। डिस्प्ले की बात करें तो 6.4 इंचेस की आप लोगों को SD+ डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि TFT होती है, जहां पर आप लोगों को टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलती है। वहीं पर अगर बात करें कैमरे की तो 13+5+2 megapixel का ट्रिपल कैमरा देखने को मिलता है LED फ्लैश के साथ। वहीं पर आप लोगों को 8 megapixel का फ्रंट में कैमरा देखने को मिलता है। जहां पर बैटरी की बात करें तो 5000mAh की बड़ी बैटरी मिलती है, तो कैमरा परफॉर्मेंस बहुत ही लाजवाब मिल जाती है, साथ ही साथ आप लोगों को 5000mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है जो कि एक अच्छी बात है कि आपको 2 से 3 दिन आराम से आप यूज़ कर पाते हैं अगर आप डे बाय डे में अगर ऐसे ही नॉर्मली यूज़ करते हैं। वहीं पर फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है और साथ ही साथ आप लोगों को USB टाइप सी पोर्ट भी मिल जाता है, तो फोन कम कीमत में भी आप लोगों को USB टाइप सी केबल मिल रहा है, साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पर कैमरा परफॉर्मेंस भी अच्छी मिल रही है। और देखा जाए तो डिस्प्ले के मामले में थोड़ा सा मुझे कॉन्स लगते हैं क्योंकि TFT अब ज़्यादातर यूज़ कोई नहीं करता, वहीं पर सैमसंग अभी भी TFT यूज़ कर रहा है अपने एंट्री लेवल के फोन्स में। यहाँ पर स्नैपड्रैगन बात करें तो 450 प्रोसेसर भी थोड़ा सा पुराना प्रोसेसर हो चुका है, लेकिन देखा जाए तो आप लोगों को एक अच्छी कीमत में अच्छा प्राइस फोन मिल रहा है, लेकिन मैं ये ही कहूंगा कि आप इसी फोन के साथ जाइए, बाकी अदर फोन्स भी हैं आप उनके साथ भी जा सकते हैं। लेकिन अगर इस फोन के प्राइस की बात करें तो फोन आप लोगों को अमेजोन पर 11,499 रुपए की कीमत में मिल जाता है जो कि एक अच्छा प्राइस निकल कर आता है। अब चलते हैं अपने यहाँ पर दूसरे फोन की तरफ जो कि एक बहुत ही अच्छा फोन है जो कि आता है हमारा Xiaomi की तरफ से Redmi 9 Prime। और अगर इस फोन की बात करें तो इस फोन में भी आप लोगों को बड़ी बैटरी मिल जाती है, अच्छा कैमरा परफॉर्मेंस मिल जाती है, साथ ही साथ एक अच्छी डिस्प्ले और एक जबरदस्त प्रोसेसर मिलता है। गेमिंग वगैरह करना हो, डे बाय डे में यूज करना हो, हल्की फुल्की गेमिंग करने के लिए एक बेस्ट फोन है। इस फोन में आप लोगों को कम प्राइस मिल जाती है, साथ ही साथ आप लोगों को अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। अगर बात करें इस फोन की तो आप लोगों को बहुत ही कमाल के स्पेक्स मिलती है, देखा जाए तो आप लोगों को परफॉर्मेंस के मामले में ऑक्टाकोर 2 GHz का MediaTek Helio G80 प्रोसेसर मिलता है जो कि एक अच्छा प्रोसेसर है, जहां पर 4GB रैम और 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिल रहा है जो कि एक बहुत ही खास बात है कि इसमें आपको 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है, यानी कि आप ढेर सारी मूवीज वगैरह इसमें अपलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को 4GB रैम मिल रही है और G80 प्रोसेसर भी अच्छा है, तो गेमिंग वगैरह भी आप कर सकते हैं इस फोन में। जहां पर डिस्प्ले की अगर बात करें तो फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलती है आप लोगों को 6.53 इंच की जो कि IPS LCD होती है। देखा जाए तो आप लोगों को यहाँ पर बहुत ही अच्छी वाटर ड्रॉप नॉइज डिस्प्ले देखने को मिलती है, एजेस और चिन बहुत ही पतले मिलते हैं, बैक से भी देखने में फोन बहुत ही अच्छा लगता है, तो प्राइस के हिसाब से बहुत ही अच्छा फोन निकल कर आता है। जहां पर अगर देखा जाए तो कैमरे के मामले में आप लोगों को 13+8+5+2 megapixel का क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है जो कि एक बहुत ही अच्छा कैमरा परफॉर्मेंस है, जहां पर LED फ्लैश लाइट मिलती है, 8 megapixel का फ्रंट में कैमरा देखने को मिलता है, तो कैमरा परफॉर्मेंस के देखते हुए एक बहुत ही अच्छा फोन निकल कर आता है। वहीं पर बैटरी की अगर बात करें तो 5020mAh की बड़ी बैटरी, फास्ट चार्जिंग ऑप्शन और USB Type-C बड़ा लोगों को मिलता है, तो देखा जाए तो कैमरा परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी निकल कर आती है। साथ ही साथ अगर बात करें इस फोन के प्राइस की तो आप लोगों को 10,999 रुपए की कीमत में ये फोन देखने को मिल जाता है, तो एक अच्छा फोन निकल कर आता है, यानी कि 11,000 रुपए की कीमत में आप लोगों को फुल HD डिस्प्ले मिल रही है, 5000mAh की बैटरी मिल रही है आप लोगों को, साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पर कैमरा परफॉर्मेंस में क्वाड कैमरा सेटअप मिल रहा है और एक अच्छा प्रोसेसर और एक बड़ा इंटरनल स्टोरेज मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ें खास इस फोन को बनाती हैं। Xiaomi का Redmi 9 Prime एक बहुत ही अच्छा फोन निकल कर आता है।
तो दोस्तों अब बात करते हैं अपने तीसरे फोन की, जो कि आता है यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा फोन, जो कि है Redmi Note 9, जो कि एक बहुत ही अच्छा फोन है। इस फोन में आप लोगों को कमाल के स्पेक्स मिल जाती है, यानी कि बड़ी बैटरी, अच्छा कैमरा परफॉर्मेंस और लाजवाब डिस्प्ले, साथ ही साथ आप लोगों को एक जबरदस्त प्रोसेसर जो कि गेमिंग वगैरह के लिए अगर देखा तो इस फोन में आप लोगों को बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है। ऑक्टा कोर 2 GB का आप लोगों को G85 प्रोसेसर मिलता है, 4 GB रैम और 64 GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ, जहाँ पर डिस्प्ले की अगर देखी जाए तो 6.53 इंचेस की आप लोगों को फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलती है, जहाँ पर आप लोगों को पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलती है टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर, जो कि एक बहुत ही अच्छा लुक लगता है। वहीं पर देखा जाए तो डिस्प्ले मामले में ठीक ठाक डिस्प्ले निकल कर आती है, जिससे चिन्ह बहुत ही पतले मिलते हैं। बैक से भी देखने में फोन बहुत ही अच्छा लगता है। कैमरे की बात करें तो 48+8+5+2 मेगापिक्सल का आप लोगों को क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है LED फ्लैश के साथ, जो कि कैमरा परफॉर्मेंस रियर से बहुत ही अच्छे पिक्स वगैरह आ जाते हैं, वीडियो वगैरह आप बहुत ही अच्छी बना पाते हैं, जहाँ पर 13 MP का फ्रंट में कैमरा देखने को मिलता है। तो कैमरा परफॉर्मेंस में तो बढ़िया निकल कर आता है Redmi Note 9, जहाँ पर 5000 mAh की बैटरी आप लोगों को मिलती है, फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन, USB टाइप सी पोर्ट मिल रहा है, स्प्लैश प्रूफ फाउंड आप लोगों को मिल जाता है, गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोडक्शन मिल जाता है फ्रंट में, बैक में आप लोगों को देखने को नहीं मिलता है, कुछ कुछ फोन्स में आप लोगों को देखने को मिल जाता है। अगर देखा जाए तो आप लोगों को फोन बहुत ही कम कीमत में मिल रहा है, यानी कि 11,000 रुपये की कीमत में मिल जाता है, अमेजोन वगैरह पर आप इसको बाय कर सकते हैं। तो देखा जाए तो आप लोगों को इस फोन में बड़ी बैटरी मिल रही है, उसके साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर कैमरा परफॉर्मेंस भी लाजवाब मिल रही है, साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पर फुल HD डिस्प्ले और एक बेहतरीन डिज़ाइन मिल रहा है, साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पर जो प्रोसेसर मिल रहा है वो गेमिंग वगैरह के लिए बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। तो 11,000 रुपये की कीमत में एक अच्छा फ़ोन निकल कर आता है। तो आप चलते हैं अपने यहाँ पर दूसरे फ़ोन की तरफ, जो कि आता है हमारा इंडिया की कंपनी है माइक्रोमैक्स IN Note 1, जो हमारा माइक्रोमैक्स ने फ़ोन निकाला है। ये भी फ़ोन बहुत ही टक्कर दे रहा है सारे फ़ोन्स को, और मैंने इसको 2 नंबर पे रखा है क्योंकि इसमें आप लोगों को कम प्राइस और अच्छी स्पेक्स मिल जाती है, और इंडिया का होने की वजह से मैंने इसको 2 नंबर पे रखा है। तो चलिए जानते हैं इस फ़ोन की स्पेक्स। वहीं पर अगर बात करें इस फ़ोन के बारे में तो आप लोगों को परफॉर्मेंस के मामले में ऑक्टा कोर 2 GB का आप लोगों को MediaTek Helio G85 प्रोसेसर मिलता है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल एंड एफिशिएंट प्रोसेसर है। वैसे अगर देखा जाए तो यही प्रोसेसर ज़्यादातर एंट्री और बजट के फ़ोन में यूज़ किया जा रहा है, जहाँ पर 4 GB रैम और 64 GB का इंटरनल स्टोरेज आप लोगों को मिल रहा है। तो 4 GB इंटरनल स्टोरेज एक अच्छा इंटरनल स्टोरेज है, गेमिंग वगैरह के लिए प्रोसेसर बहुत ही ज़बरदस्त है। तो माइक्रोमैक्स ने इस प्रोसेसर को बहुत ही कायदे से, बहुत अच्छे तरीके से इस फोन में यूज़ किया, यानी कि समझ कर मार्केट को यूज़ किया गया है। डिस्प्ले की बात करें तो 6.67 इंचेस की HD+ डिस्प्ले देखने को मिलती है, डिस्प्ले की बात करें तो 6.67 इंचेस की फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि 395 PPI डेंसिटी के साथ मिलती है IPS LCD, जहां पर आप लोगों को जहां पर डॉट नॉच डिस्प्ले देखने को मिलती है टॉप बॉटम में। वहीं पर अगर देखा जाए तो आप लोगों को कैमरे के मामले में भी आप लोगों को कैमरा परफॉर्मेंस टक्कर देता हुआ नजर आता है, यहां पर डिस्प्ले तो बड़ी आप लोगों को मिल ही रही है, वहीं पर यहां पर आप लोगों को कैमरा परफॉर्मेंस बहुत ही लाजवाब मिलती है, एजेस और चिन बहुत ही पतले मिलते हैं। जहां पर कैमरे की अगर बात करें तो 48+5+2+2 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जो कि कैमरा परफॉर्मेंस बहुत ही लाजवाब बनाता है। यहाँ पर अगर बात करें तो 16 मेगापिक्सल का फ्रंट में कैमरा देखने को मिलता है, तो कैमरा परफॉर्मेंस बहुत ही तगड़ी इसमें निकल कर आती है। वहीं पर अगर बात करें बैटरी की तो 5000 mAh की बड़ी बैटरी, फास्ट चार्जिंग और USB टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, USB ऑडियो सपोर्ट, वाईफाई कॉलिंग और सारे फीचर्स आप लोगों को मिल जाते हैं। तो देखा जाए तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा फ़ोन निकल कर आता है, 11,000 रुपये की कीमत में एक बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोन है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा फ़ोन निकल कर आया है, जो कि माइक्रोमैक्स इंडिया की कंपनी उन्होंने निकाला है। तो फ़ोन बहुत ही धमाल मचाने वाला है और बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। अब जानते हैं यहाँ पर अपने पहले फ़ोन के बारे में, जो कि है Narzo 20। जी हाँ दोस्तों, Realme Narzo 20, जो कि एक बहुत ही औसम फ़ोन है। इस फोन में आप लोगों को कमाल के स्पेक्स मिल जाती है, सबसे बेस्ट फ़ोन है। अगर देखा जाए तो इस फोन में भी आप लोगों को अच्छी कीमत और एक अच्छा प्रोसेसर मिल जाता है, साथ ही साथ अच्छा कैमरा परफॉर्मेंस और बेटर आप लोगों को मिलता है एक बैटरी बैकअप, जो कि आप 2 से 3 दिन आराम से यूज़ कर पाते हैं हैवीली यूजेस पे भी। तो चलिए जानते हैं अगर इस फ़ोन के बारे में जाने तो आप लोगों को परफॉर्मेंस के मामले में आप लोगों को ये फ़ोन ऑक्टा कोर 2 GB का MediaTek Helio G85 वही प्रोसेसर मिलता है जो बाकी उधर में मिल रहा है, जहाँ पर 4 GB रैम और 64 GB का इंटरनल स्टोरेज मिल रहा है। तो ये परफॉर्मेंस बेटर बन जाती है बजट फ़ोन में, तो इसी प्रोसेसर को ज़्यादातर यूज़ किया जा रहा है। वहीं पर डिस्प्ले की बात करें तो 6.5 इंचेस की HD+ डिस्प्ले देखने को मिलती है एंड 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ, जो कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लुक और डिज़ाइन देता है। वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले मिलती है, एजेस और चेन बहुत ही पतले मिलते हैं, बैक से देखने में फ़ोन बहुत ही ऑसम लगता है। कैमरे की बात करें तो आप लोगों को यहाँ पर 48+8+2 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा देखने को मिलता है, तो कैमरा परफॉर्मेंस बहुत ही लाजवाब निकल कर आती है LED फ्लैश के साथ, और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट में कैमरा देखने को मिलता है। तो कैमरा परफॉर्मेंस दोनों ही तरफ से लाजवाब मिल जाती है।
जहाँ पर आप लोगों को खास तौर से मैंने इसको बैटरी मिल रहा है और रैम मैनेजमेंट और बाकी अदर चीज़ें वही सब मिल रही हैं। देखा जाए तो इसमें 6000 mAh की बड़ी बैटरी मिल रही है। तो इस चीज़ों को देखते हुए ये फ़ोन मुझे ज़्यादा बेटर लगा जो मैंने इसको पहले नंबर पर रखा है। तो अगर देखा जाए तो बाकी अदर फोन्स भी बहुत ही अच्छे हैं। बाकी अगर आपकी कौन सी चॉइस है, आप कौन सा लेने को सोच रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपने किसी भी फोन को बाय किया है हमारी वीडियो को देखने के बाद, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी उसको भेज सकते हैं, दिखा सकते हैं और हमें फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पर, वहां पर भी आपकी जरूरत है। तो अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।